गाइस फिटिंग पूरा हो चुका है, तो अभी काशी कुछ ऐसे दिखती है, आप देख सकते हो। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आप समझ गए होंगे हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। आप पूछोगे अनबॉक्सिंग किस चीज़ की है, तो ये पार्सल हमें आया है हाइपर राइडर से। हाइपर राइडर वे आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल एक्सेसरीज, टूरिंग एक्सेसरीज वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हमने मंगाया हाइपर राइडर का सैडल स्टे और टॉप रैक। तो अभी हम इसको खोलते हैं। इसको आगे कम से कम 12 से 15 दिन हो गए, जब हम गोवा राइड पर थे तभी ये घर पर आया था, और अभी तक हमने इसको खुला नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो अभी हम इसको खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं, आपको बताते हैं इसमें क्या क्या है। तो गाइस, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी तरह से की है, आप देख सकते हो। सो ये है टॉप रैक है, और ये सैडल स्टे, ये टॉप रैक का सपोर्ट है। तो अभी हम काम करते हैं, अभी हम इसको लेके जाते हैं गैराज पे और इसका इंस्टॉलेशन करेंगे। द पैकिंग बहुत स्टडी है, बहुत अच्छी तरह से पैक की है ताकि कोई स्क्रैच ना आए। और ये इनके QR कोड्स हैं, ओके, जैसे ये इनके QR कोड है। अगर आपको इंस्टाग्राम या इंस्टॉलेशन वीडियो या इसका वारंटी रजिस्टर करना है, या तो इनके स्टोर को विजिट करना है, तो उसके ये QR कोड्स हैं। तो चलो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, गैराज पे जाएंगे और इसका इंस्टॉलेशन करेंगे। तो दोस्तों, आज दूसरा दिन है। आपने जो अनबॉक्सिंग का वीडियो देखा था वो कल का था। मैंने बोला था कि आज मैं इंस्टॉल करूँगा, लेकिन गैराज पे दूसरी गाड़ी का काम चल रहा था, इसके लिए फिर हम दूसरे दिन आए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम इसका आगे का सीट हम लोग निकाल रहे हैं। सो गाइस, अभी हम इसके ग्रैब रेल्स निकाल रहे हैं, क्योंकि ये ग्रैब रेल्स जब भी निकालेंगे तभी ये टॉप रैक लगेगा। और ये अपना दोस्त है राकेश, मैं इसे मैकेनिक नहीं कहूँगा, दोस्त कहूँगा, क्योंकि हम लोग साथ में गैराज का काम शुरू किया था। यस, दैट्स करेक्ट। मैं एक ज़माने पहले गैराज चलाते थे हम लोग साथ में। तो ग्रैबरल्स निकल चुके हैं अभी। तो वैसे टॉप रैक आराम से लग जाता है, इसको कोई एडजस्टमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके ग्रैबरल निकालने आपको और टॉप रैक लगाना है। तो वैसे जब भी आप कोई पुराना फिटिंग खोलते हो, तो इट इज़ सजेस्टेड कि आप जो बोल्ट्स लगा रहे हो उसके थ्रेड्स में ऑयल या तो ग्रीस लगाएं। इसकी वजह से आपके थ्रेड्स है ना लंबी देर तक टिकते हैं, और अगले बार आप जब भी खोलोगे तभी आसानी से खुलेंगे। साइड रैक लगा रहे हैं, बहुत सिंपल फिटिंग है। ये दो बोल्ट है, और मतलब एलन की बोल्ट है और नट है दोनों तरफ। अभी हम इसको एलन की से टाइट करेंगे। तो गाइस, अभी हम ये टॉप रैक सपोर्ट लगा रहे हैं। ये जो टॉप रैक है, यहाँ से यहाँ पे ये सपोर्ट है, ताकि अगर टॉप बॉक्स में अगर कुछ वजन हो तो उसको सपोर्ट मिले और इसके मतलब हिलने के चांसेस और टूटने के चांसेस कम हो जाए। तो गाइस, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं गैराज का, ये रमेश भाई हैं, ये हमको खुश करते हैं चाय पिला के और डिस्काउंट भी देते हैं। आज लाते थे कि चार ही कर लेते थे। डिस्काउंट देते हो ना? चाय का डिस्काउंट। तो ये वैसे राजस्थान से, लेकिन इनका गांव चंबल में पड़ता है। तो गाइस, हमारा टॉप रैक और सैडल स्टे का फिटिंग हो चुका है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ क्या क्या किया हमने।
तो गाइस ये टॉप रैक है, तो इसका फिटिंग ये चार बोल्ट पे जो इसे मजबूत बनाता है, और ये इसका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है जो यहाँ पे फिट होता है, जो इसको ऊपर से मजबूती देता है, मतलब इस पर अगर लोड आएगा तो ये उसको मजबूती देगा। उसके अलावा ये है साइड, ये है सैडल स्टे, तो सैडल स्टे ये टॉप रैक के ये दो बोल्ट पे ही फिटिंग होता है, और इसको सपोर्ट ये जो पट्टी है यहाँ से ये मिलता है, और यहाँ से एक सपोर्ट है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो अभी हम बाकी की फिटिंग करते हैं, फिर आपको बताते हैं फाइनल रिजल्ट। तो गाइस फिटिंग पूरा हो चुका है, तो अभी काशी कुछ ऐसे दिखती है, आप देख सकते हो दिस इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, बहुत स्टडी है, नो डाउट अभी 5-6 किलो वज़न बढ़ गया रहेगा, बट इट्स ओके, दिस वॉज मच नीडेड कंसिडरिंग दैट वी डू लॉन्ग राइड्स। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ, और होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो अगर पसंद आया तो आपको मालूम है क्या करना है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो मेरा नीचे इंस्टाग्राम आईडी है इस पर फॉलो कीजिए।